हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डिवाइन यूनिवर्स चैनल में। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी जानते हैं ग्यारस आ रही है और इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस एकादशी को देव उठनी ग्यारस या देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन यदि हम भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें तो हमारी हर विश पूरी होती है। तो आइए जान लेते हैं कि हम भगवान विष्णु के कौन से मंत्र का जप करेंगे जिससे हमारी हर इच्छा पूरी होगी। और हाँ, यदि आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, यदि आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, आपका कोई शॉप है जहाँ पर आपको कोई भी मुनाफा नहीं है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं और आपका व्यापार बिल्कुल भी नहीं चलता और आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में वृद्धि हो, आप मनी अट्रैक्ट कर सके, आपके पास बहुत सारा धन हो, तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा जो अभी मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को 108 बार जरूर चैंट कीजिएगा। जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर ही बैठकर कीजिए। एंड आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो बहुत ग्रोथ करे एंड लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, इसके लिए आप एक सिक्का ले लीजिए। सिक्का 1, 2, 5, 10 कुछ का भी हो सकता है और आप उस सिक्के को के ऊपर भगवान विष्णु को स्थापित कर दीजिए। मीन्स ये कि जहाँ पर हम तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह करते हैं वहाँ पर आप या तो विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं या फिर लड्डू गोपाल की भी कुछ लोग वहाँ मूर्ति स्थापित करते हैं रखते हैं, या फिर शालिग्राम की जो काले कलर की जो मूर्ति छोटी सी जो रहती है उसे आप रखते हैं। तो आप जिस भी मूर्ति को वहाँ स्थापित करें तो उस मूर्ति को उस सिक्के के ऊपर विराजमान करना है। ध्यान रखिएगा, एक सिक्का लेना है और उसके ऊपर आपको विष्णु भगवान की मूर्ति को रखना है और आपको उसे पूजा करना है। जब आपकी ये पूजा हो जाए, जैसे आप साधारण पूजा करते हैं सभी पूजा कर लीजिए और सिक्के की पहले पूजा कर लीजिए, उसके ऊपर विष्णु भगवान विराजमान करके उनकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद आपकी जब पूरी पूजा हो जाती है और जब हम सुबह उठते हैं और जब हम उन भगवान की विदाई करते हैं, कई अलग अलग रिवाज रहता है हर जगह, तो कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उनको जगाकर उनकी विदाई कर देते हैं। तो आपको उस टाइम पर क्या करना है कि जब आप भगवान की विदाई कर दें और वो मूर्ति को अलग कर दें, ये सुबह 4 बजे उठकर करना है आपको। तो जब आप उसे अलग करेंगे तो वहाँ पर एक छोटी सी कटोरी में हल्दी भर कर रख लीजिए और आप उस सिक्के को उठाकर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का प्रसाद समझकर आप उस सिक्के को उस हल्दी से भरी कटोरी में रख दीजिए और उस हल्दी की कटोरी को आप लेकर अपने कार्यस्थल में, मीन्स जो भी आप व्यापार करते हैं, शॉप है आपका या किसी भी चीज़ का आपका व्यापार है, फैक्ट्री है, आप उस जगह पर लेकर रख दीजिए उसे। जब आप वहाँ पर रखेंगे उसके बाद से ही आपको 1 महीने के अंदर में ही इसका बहुत शानदार रिजल्ट मिल जाएगा। आप इसे ज़रूर कीजिएगा, आप इसे बहुत विश्वास और श्रद्धा से कीजिए, आपको इसका रिजल्ट जो है बहुत ही शानदार मिलेगा। माता लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।